गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 गोला के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, गोला एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके IERT एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो प्रत्येक बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आप किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो उस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम आप 25 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट गोला के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद से मैं इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से कराऊंगा कि आपके एग्जाम में गोला से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैक्सिमम आप 25 से 30 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट बात करते हैं गोला के बारे में। तो जो आपका गोला होता है, गोला का जो आयतन होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है, गोले का जो आयतन होता है वो आपका होता है 4/3 πr³। गोले का जो आयतन होता है वो आपका 4/3 πr³ होता है। वहीं पर गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ आपका 4πr² होता है। तो ध्यान में रखिएगा गोले का आयतन आपका 4/3 πr³ होता है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ 4πr² होता है। उसी तरह से डियर स्टूडेंट जो आपका अर्ध गोला होता है, जो आपका अर्ध गोला होता है यानी कि हेमी स्फीयर, तो अर्ध गोले का जो आयतन होता है डियर स्टूडेंट, अर्ध गोले का जो आयतन होता है वो आपका होता है 2/3 πr³ के रूप में। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 πr³ में। और डियर स्टूडेंट अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग होते हैं। अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है 2πr². अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr², लेकिन जो संपूर्ण पृष्ठ होता है अर्ध गोले का वो आपका होता है 3πr². तो दोनों बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2πr² और अर्ध गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है 3πr². यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट गोलीय कोश के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा गोलीय कोश के बारे में। जो आपका गोली कोश होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, इसमें आपको गोली के साथ का इस प्रकार से होता है, इसमें आपकी जो बाहरी त्रिज्या होती है इसको आप मान लीजिए कैपिटल R और जो आपकी आंतरिक त्रिज्या है इसको आप मान ले स्मॉल R। तो गोली कोश का जो आयतन होता है वो आपका होता है 4/3 πR³ - r³। तो ध्यान में रखिएगा गोली कोश का आयतन का जो फार्मूला है 4/3 π ब्रेकेट में कैपिटल r³ - r³। जो आपका कैपिटल R है वो आपका बाहरी त्रिज्या है, जो आपका स्मॉल R है वो आपका आंतरिक त्रिज्या है। बस इतने से सिंपल से फार्मूले यदि आप ध्यान में रखते हैं तो इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कराने वाला हूं, तो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, आपके IERT एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम 2 महीने बचे हैं, तो जो भी स्टूडेंट अभी से अच्छी तरीके से तैयारी करेगा वही क्लियर कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी IERT है एक प्रतिष्ठित संस्थान है। तो यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो ही आप IERT कॉलेज में बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कॉलेज पा सकते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, बोला है किसी गोले तथा अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी गोले तथा अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है
जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका होता है 4 पाई r² और अर्ध गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका होता है 3 पाई स्क्वायर। आपको निकालना था गोले के संपूर्ण पृष्ठ और अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात बताना था। तो देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको 4:3। इस तरीके से गोले तथा अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात आपका 4:3 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यदि आपको बेसिक फार्मूला अच्छी तरीके से पता है तो किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 10 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, बोला है एक गोले का आयतन पहले से 8 गुना हो जाता है तो उसकी त्रिज्या कितनी कर दी गई। एक गोले का आयतन पहले से 8 गुना हो जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि गोले का जो प्रारंभिक आयतन है वो आपका x है। गोले के आयतन को 8 गुना कर दिया जाता है यानी कि जो v2 की वैल्यू है वो आपका 8x हो जाती है। तो आपको यह बताना है कि उसकी त्रिज्या कितनी कर दी गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं v1/v2 बराबर x/8x के रूप में, x से x को कैंसिल कर दो तो यहाँ से आपको v1/v2 की वैल्यू मिल जाएगी डियर स्टूडेंट 1/8। अब हम v1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4/3 πr1³ और v2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4/3 πr2³। तो देखना 4/3 π से 4/3 π कैंसिल, बराबर आपको मिल जाएगा 1/8। यहाँ से डियर स्टूडेंट आपको मिलेगा r1³ / r2³ बराबर आपको मिल जाएगा 1/8। तो r1/r2 की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा 1/2। तो त्रिज्या पहले से कितनी गुनी हो जा रही है, तो त्रिज्या पहले से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा। बोला है एक गोले का आयतन आपका 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठ होगा। एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको पता है कि जो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो गोले का आयतन आपको दे रखा है 4851, तो 4851 मैंने रख दिया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट ये आपका हो गया 4/3, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 r³ बराबर आपका हो जाएगा 4851। अब 11 से काट लो तो 11 × 44 बचेगा आपका 4 5, 11 × 44 11 × 11, फिर इसको 11 से काटोगे तो 11 × 22, फिर और कुछ कटने वाला है, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा आपको आर क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 441 और 3 × 7 = 21 आपका 441 के साथ जाएगा, गुणे आपका 21 हो जाएगा, पट्टी में आपका क्या हो जाएगा 4 × 8। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, जो आपका 441 है 21 का स्क्वायर है, यानी कि 441 को हम लिख सकते हैं 21 × 21 के रूप में। तो आप घनमूल निकालोगे तो ऊपर से तो आपको 21 मिलेगा और नीचे से क्या मिलेगा, 8 का घनमूल आपका 2 होता है। तो इस तरीके से जो r की वैल्यू आ गई वो आपका 21/2 आ गया। आपको निकालना है वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ बोलो या संपूर्ण पृष्ठ बोलो, दोनों आपका 4πr² होता है। तो यहाँ से 4π की वैल्यू रख दो 22/7, r की वैल्यू 21/2 है, तो 21/2 गुणे का हो जाएगा आपका 21/2। 7 से काट लीजिए तो 7 × 3 = 21, ये आपका 2 × 4 से आपका 4 कैंसिल, तो मिलेगा आपको क्या 22 × 3 का गुणा 21 में कराओगे तो 63 मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो 22 × 66 = 6 और 22 × 6 कितना होता है, 22 × 6 आपका हो जाएगा 2 × 12 और 2 × 12 132 और 6 कितना होगा 138।
यानी कि 13,086 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से जो गोले का वक्रपृष्ठ होगा 13,086 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपको बेसिक फार्मूला लगाना है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। एक अर्धगोले का आयतन आपको दे रखा है 18 पाई घन सेमी, तो आपको पता है कि अर्धगोले का जो आयतन होता है वो आपका 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का आयतन दे रखा है 18 पाई, तो 18 पाई मैंने रख दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ से आपका 2/3 आर क्यूब की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18, 2 से काट लो तो 2×9=18, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9×3, तो आर क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यू बराबर आपका हो जाए 27, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो गोले की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से समझना, बोला है एक घन तथा उसी के अंदर बने एक गोले के आयतनों का अनुपात, यदि गोला घन की सभी भुजाओं को छूता है। तो एक घन के अंदर आपका एक गोला बना है, तो इस तरीके से हम एक घन बना लेते हैं, इस तरीके से मैंने एक घन बना लिया। बोला है एक गोला इसके अंदर है जो कि इसके प्रत्येक भुजा को छूता है, यानी कि घन के अंदर आपका इस प्रकार से गोला है जो कि घन की प्रत्येक भुजा को छूता है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है डियर स्टूडेंट, जो आपका गोले का व्यास होता है, जो आपका गोले का व्यास होता है वह घन की भुजा के बराबर होता है। कभी भी आपसे यह बोला जाए कि गोले की प्रत्येक भुजा को आपका वृत्त छूता है, यानी कि घन की प्रत्येक भुजा को गोला छूता है, तो ऐसे कंडीशन में जो गोले का व्यास होता है वह घन की भुजा के बराबर होता है। तो मैं मान लेता हूं कि घन की भुजा आपका ए है, तो घन की भुजा यदि ए होगा तो घन की भुजा गोले के व्यास के बराबर, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा, गोले का व्यास आपका हो जाएगा ए। तो यहां से देखिएगा डियर स्टूडेंट, घन की जो भुजा है वो तो आपका ए हो जाएगी। तो बात करें जो आपका गोला है इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो गोला जो है इसकी त्रिज्या आपकी हो जाएगी a/2, क्योंकि जो गोले का व्यास है वह घन की भुजा के बराबर है। तो यहाँ से घन की भुजा a हो जाएगी और जो गोले की त्रिज्या हो जाएगी वो आपका a/2 हो जाएगी। तो आपको यह बताना है कि घन तथा उसके अंदर बने गोले के आयतनों में अनुपात, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपका होता है a क्यूब, और जो गोला का आयतन होता है वो आपका क्या होता है 4/3 πr³। तो देखो a क्यूब हो जाएगा, अनुपात है 4/3 π, r की जगह क्या रखेंगे a/2, तो a/2 का होल क्यूब करोगे, a/2 का होल क्यूब आप करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा aq/8, aq से aq कैंसिल, 4 से काट दो तो 4×2=8, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 3×2=6, यानी कि 6/π मिल जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट घन तथा उसके अंदर बने गोले के आयतनों के अनुपात 6/π होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, बोला है कि 6 सेमी त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.1 सेमी त्रिज्या का तार खींचा गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.1 सेमी त्रिज्या का एक तार खींचा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि जो आपका तार खींचा जा रहा है, जो आपका तार खींचा जा रहा है वह तार किस रूप में होगा, जो आपका तार खींचा जा रहा है वह तार आपका एक बेलन के रूप में कहीं ना कहीं होगा, जो आपका तार खींचा जा रहा है वह तार कहीं ना कहीं आपका एक बेलन के रूप में होगा, चाहे त्रिज्या जो भी हो। तो जो तार की लंबाई होगी, जो
जो आपका तार की लंबाई होगी वह बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी, क्योंकि जो आपका तार है कहीं ना कहीं एक बेलन के रूप में है। यानी हम कह सकते हैं कि जो गोले का आयतन होगा वह आपका बेलन के आयतन के बराबर होगा। जो आपका गोले का आयतन होगा वो आपका बेलन के आयतन के बराबर होगा। जो यच की वैल्यू आएगी वही आपकी तार की लंबाई होगी, क्योंकि तार आपका बेलन का एक रूप है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन। क्यों? क्योंकि जो तार आपका है एक बेलन के रूप में है। तो गोले का आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई कैंसिल कर लो तो मिलेगा 4/3। अब देखिएगा गोले की त्रिज्या आपको दे रखा है, गोले की त्रिज्या आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 का क्यूब हो जाएगा बराबर। यहाँ पर आपको जो तार खींचा जा रहा है उस तार का आपको त्रिज्या भी दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 का होली स्क्वायर ऊंचाई नहीं बचा है, ऊंचाई आप निकाल लोगे तो यही आपकी तार की लंबाई हो जाएगी। तो देखना 4/3 हो जाएगा गुणे 6 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 के रूप में, 0.1 का होली स्क्वायर यानी कि 0.01 × का एच हो जाएगा। तो 3 से काट लो तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 गुणे का 36 बट्टे का आपका हो जाएगा 0.01 बराबर आपका हो जाएगा एच। तो देखिएगा दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा और 100 से भाग कर दो, तो 100 से गुणा और 100 से भाग कर दो तो गुणे 100 हो जाएगा। और जब नीचे 100 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा यानी 1 मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो देखिएगा क्या मिलेगा, 00 है तो 00, 8 × 6 = 48 को 8, 8 × 3 = 24, 4 = 28, यानी 28,800 मिल जाएगा। यच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 28,800 सेंटीमीटर मिलेगा, 28,800 सेंटीमीटर। लेकिन जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं टोटल ऑप्शंस आपका मीटर में है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यदि मैं इसमें 100 से भाग दे दूं तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 288 मीटर। इस तरीके से तो तार की लंबाई होगी 288 मीटर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, बोला है शीशे के गोली कोश का बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का लंब वृत्ति बेलन बनाया गया है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो कोश का आंतरिक व्यास सेंटीमीटर में होगा। तो इस कंडीशन में जो गोली कोश का आयतन होगा वह आपका लंब वृत्ति बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि गोली कोश को पिघलाकर आप एक लंब वृत्ति बेलन बना रहे हैं। तो जो आपका गोली कोश का आयतन होगा और लंब वृत्ति बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो गोली कोश का आयतन कितना होता है, गोली कोश का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। गोली कोश का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई से पाई काट दो तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, 4/3। गोली कोश का जो बाहरी त्रिज्या दे रखा है, बाहरी व्यास दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर यानी 9 का क्यूब। आंतरिक त्रिज्या नहीं बचा है तो इसको आर क्यूब रखो बराबर। यहाँ पर जो बेलन बनाया जाता है उस बेलन का व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास यदि 12 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई भी दे रखा है बेलन का, तो ऊंचाई आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर तो गुणे 8 कर लो। अब देखना यहाँ से हो जाएगा आपका 4/3, 9 का क्यूब करोगे तो 729 मिलेगा माइनस आर का क्यूब, 6 का स्क्वायर 36 गुणे का आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो देखिएगा क्या मिलेगा, 729 माइनस का आर का क्यूब बराबर 36 × 8, 3 आपका इसके साथ चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 4 को आप बट्टे में लेकर आओ। यहाँ तक आपको क्लियर, देखिए 36 × 8 ये 3 इसके साथ चलेगा, 4 बट्टे में चला आएगा, तो 4 × 8 कर दो तो
मिलेगा आपको 729 माइनस का आर क्यू बराबर 36 गुणे दो, 36 गुणे दो गुणे तीन के रूप में। तो 729 माइनस का आर क्यू बराबर 36 दुना 72 गुणे आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप आगे देखिएगा तो मिलेगा आपको क्या, 729 माइनस का आर का क्यूब बराबर 72 तीन कितना होता है 3 दुना 6 और 3 सत्ते 21 216 हो जाएगा। तो उसके बाद से आर क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 729 माइनस का 216, तो आर क्यू की वैल्यू निकाल लो तो 9 में से 6 जाएगा 3, फिर उसके बाद से 2 में से 1 जाएगा 1 और 5 में से 2 जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 513 आ गया। अब देखिए आर क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 513 को हम लिख सकते हैं 3 से काटो पहले, तो 3 गुणे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 गुणे आप 19 करोगे तो 513 आ जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 गुणे 19 करोगे तो आपको 513 मिल जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो 3 कड़ी के अंदर 19 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आर का मान 3 क्यूब रूट ऑफ 19 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से समझिएगा, बोला गया है कि आर सेमी अर्धव्यास वाले ठोस को छिलकर एक घन बनाया है, इस प्रकार बने बड़े से बड़े घन की भुजा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आर सेमी अर्धव्यास वाले ठोस को छिलकर एक घन बनाया है, इस प्रकार बने बड़े से बड़े घन की एक भुजा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे कंडीशन में कभी आपसे पूछा जाए कि बड़े से बड़े घन की एक भुजा का मान क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा डियर स्टूडेंट जो आपका घन का विकर्ण होता है वही घन की मैक्सिमम बड़ी भुजा हो सकती है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, एक कड़ी में 3, जो आपका घन का विकर्ण होता है वो आपका गोले के व्यास के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2r हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 2r अपान का कड़ी में 3 हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका घन की भुजा का मान होगा, बड़ी से बड़ी घन की भुजा का मान होगा, वो आपका 2r बट्टे का कड़ी में 3 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 9 को। बोला गया है कि एक बेलनाकार बर्तन में जिसकी ऊंचाई आपका 25 सेंटीमीटर है और व्यास आपका 10 सेंटीमीटर है, 24 सेमी ऊंचाई तक पानी भरा है, 3 सेमी त्रिज्या का एक गोली गेंद इसमें गिरा दी गई है, बर्तन में से पानी जो बाहर निकले होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। एक आपका बेलनाकार बर्तन है जिसकी ऊंचाई आपका 25 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से मैं एक पहले बेलनाकार बर्तन बना लेता हूँ। ये आपका बेलनाकार बर्तन है, ये मैंने बना लिया, इसकी ऊंचाई आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भैया है इसका 25 सेंटीमीटर, तो मैंने दिखा दिया ऊंचाई इसका 25 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यास आपका 10 सेंटीमीटर है, तो व्यास 10 सेंटीमीटर है यानी त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की जो त्रिज्या होगी वो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोला है 24 सेमी ऊंचाई तक पानी भरा है, यानी कि बेलन की जो टोटल ऊंचाई है वो तो आपका 25 सेंटीमीटर है, लेकिन आपका 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक केवल पानी भरा है। तो क्या होता है कि इसमें 3 सेंटीमीटर का एक गोला डाल देते हैं, तो आपको यह बताना है कि कितना पानी बेलन से बाहर निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि बेलन के खाली भाग का आयतन कितना है, क्योंकि 24 सेंटीमीटर तक तो केवल पानी भरा है, यानी कि लास्ट का 1 सेंटीमीटर जो है खाली है। तो सबसे पहले हम बेलन के खाली भाग का आयतन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आप बेलन के खाली भाग का आयतन निकाल लो, तो बेलन के खाली भाग का आयतन, तो बेलन के खाली भाग का आयतन क्या होगा, बेलन के खाली भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, तो पाई हो गया। आर की वैल्यू क्या है, बेलन के
त्रिज्या आर की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब बात आती है ऊंचाई, तो केवल आपको निकालना है कि बेलन के खाली भाग का आयतन, तो खाली भाग की ऊंचाई कितना है, खाली भाग की ऊंचाई आपका केवल और केवल 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ से निकालोगे तो आपका 25 पाई आ जाएगा, यानी कि बेलन के खाली भाग का जो आयतन है वो आपका 25 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यह देख लेते हैं कि जो हम गोला बेलन के अंदर डाल रहे हैं उस गोले का आयतन कितना है, जो हम गोला बेलन के अंदर डाल रहे हैं उस गोले का आयतन कितना है। तो यदि आपका गोले का आयतन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4/3 और पाई हो जाएगा आर की वैल्यू, गोले की त्रिज्या आर की वैल्यू 3 दे रखा है, तो 3 का क्यूब, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 4/3 π, 3 का क्यूब करोगे 27, तो 3 × 9 = 27, यानी आपको मिल जाएगा 36 पाई, यानी कि गोले का जो आयतन है वो आपका 36 पाई है। अब देखना, जो आपका खाली भाग का आयतन है वो आपका 25 पाई है, और जो गोला आप डाल रहे हैं बेलन के अंदर उसका आयतन है आपका 36 पाई, तो खाली तो भैया है 25 पाई, और आप जो गोला डाल रहे हैं उसका आयतन है 36 पाई, तो कितना पानी बाहर आएगा, तो 36 में से 25 घटा दो, यानी कि 11 पाई के आयतन के बराबर आपका पानी बाहर चला आएगा, क्योंकि गोले का आयतन आपका 36 पाई है और खाली तो आपका 25 पाई है। तो इस तरीके से 11 पाई घन सेंटीमीटर पानी जो है बाहर चला आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल शानदार तरीके से कराने वाला हूँ, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से कराता हूँ डियर स्टूडेंट, कि इस कॉन्सेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आपसे छूटने वाले नहीं है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को बोला है कि एक खोखला गोला पानी में आधा डूबा हुआ तैर रहा है, यदि गोले का बाह्य व्यास आपका 42 सेंटीमीटर तथा गोले के पदार्थ का आयतन आपका इतना है, तो गोले के पदार्थ का घनत्व तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, तो आपको पता है कि घनत्व तो बराबर क्या होता है, आपको पता है कि घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ से आप द्रव्यमान की वैल्यू निकालोगे तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व तो गुणे आयतन के रूप में, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व तो को तो हमको निकालना है, तो घनत्व तो को डी ही रखते हैं, और आयतन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 3087 के रूप में, तो हो जाएगा 3087, यानी यम की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3087 डी के रूप में। अब डियर स्टूडेंट, जो आपका गोले का द्रव्यमान होगा वह किसके बराबर होगा, जो आपका गोले का द्रव्यमान होगा वह अर्ध गोले के आयतन के बराबर होगा, जो आपका गोले का द्रव्यमान होगा वो आपका अर्ध गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि गोले का आधा भाग ही पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो यहाँ से जो गोले का द्रव्यमान होगा, जो गोले का द्रव्यमान होगा डियर स्टूडेंट, गोले का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, जो गोले का द्रव्यमान होगा वो आपका अर्ध गोले का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि अर्ध गोला ही पानी में डूबा हुआ है, तो गोले का द्रव्यमान आपने निकाला है 3087 डी। अर्ध गोले का आयतन कितना होता है, अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 πr³ के रूप में, तो 3087 बराबर 2/3 2ad के रूप में है, 3087 डी, ठीक है, कूड़े पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट जो आर की वैल्यू होगी वो आपका 21 ही होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, क्योंकि अर्ध गोले में आपका बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का कंडीशन नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू लेना है केवल और केवल 21 लेना है, जो आपकी बाहरी त्रिज्या है दिया है वो आपका केवल और केवल त्रिज्या होना चाहिए, तो गुणे आपका 21 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से डी गुणे 3087 बराबर 2/3 गुणे पाई बट्टे 7 गुणे 21 का क्यूब कर दो, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 के रूप में, तो 21 से 21 कैंसिल, यहाँ से डियर स्टूडेंट आप 11 से काट लो, तो 11 × 22 हो जाएगा, 11 × 22 8 8, ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से देखिएगा कैंसिल आउट नहीं करते हैं, तो डी की वैल्यू सीधे निकाल लेते हैं, तो
तो डी की वैल्यू आपका क्या आएगा, ए आपका कैंसिल नहीं है ध्यान में रखिएगा, तो डी की वैल्यू आपका हो जाएगा 22 × 2 आपका हो जाएगा 44 × 21 × 21, 22 × 2 44 × 21 × 21 बट्टे आपका हो जाएगा 3087। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 6 point something के रूप में मिलेगा, यानी कि 6.3 g/cm³ मिलेगा। इस तरीके से जो घनत्व आएगा वो आपका 6.3 g/cm³ आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आपका डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा डियर, मैंने 11 से कैंसिल आउट नहीं किया है 22 को ना, तो इसको इसीलिए मैंने लिखा है 2 × 22 = 44 × 21 × 21, ये वाली वैल्यू मैंने पूरा नहीं चलाया। तो सॉल्व करेंगे तो 6.3 g/cm³ आ जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस प्रकार से है, 4 सेमी त्रिज्या वाले 16 सेमी ऊंचे एक लोहे ठोस बेलन से 2 mm त्रिज्या के ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। तो कभी भी आपको गोलियों की संख्या पूछा जाए तो ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है, आपको बेलन के आयतन में आपको क्वेश्चन नंबर ग्यारह आपका इस प्रकार से है, चार सेमी त्रिज्या वाले 16 सेमी ऊंचे एक लोहे के ठोस बेलन से 2 mm त्रिज्या के ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि गोलियों की संख्या क्या होगी, तो ऐसे कंडीशन में करना कुछ नहीं होता है, बस आपको बेलन के आयतन में एक गोली के आयतन से भाग दे देना है, बस आपको बेलन के आयतन में एक गोली के आयतन से भाग दे दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो गोलियों की संख्या तो मैंने मान लिया n, तो n की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, n की वैल्यू निकालने के लिए बेलन के आयतन में एक गोली के आयतन से आप भाग दे दो, एक गोली के आयतन से आप भाग दे दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपका होता है 5r²h, एक गोली का आयतन कितना होता है, गोली का आयतन होगा 4/3 πr³ के रूप में, तो पाई से पाई कैंसिल, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगा r²h/4/3 πr³ के रूप में। अब सारे वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो बेलन की त्रिज्या दे रखा है वो आपका 4 cm है, जो बेलन की त्रिज्या दे रखा है वो आपका 4 cm, तो 4² और बेलन की जो ऊंचाई दे रखा है वो आपको दे रखा है 16 cm × 16 हो जाएगा, बट्टे का 4/3, ये तो आपका पाई से कट गया ना, ये तो है ही नहीं। और यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 mm, तो 2 mm को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो 2 mm को आप सेंटीमीटर में चेंज करिए। आपको पता है कि 1 cm बराबर आपका होता है 10 mm, यानी कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 0.2 cm आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.2 ^3, अब हाल कर लो, तो देखो 3 आपका ऊपर जाएगा तो 3 × 4² = 16 हो जाएगा, × 16 पट्टे का 4 × 0.2³ करो तो 0.008 मिलेगा, 4 से काट लो तो 4 × 16 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 16 × 3 = 48 हो जाएगा, गुड़े का हो जाएगा आपका 4 और नीचे 0.008 है तो 008 लग दो। अब देखिएगा दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी आप 1000 से गुणा कर दो, नीचे भी आप 1000 से गुणा कर दो, तो मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 48 × 4 / 8 गुड़े आपका हो जाएगा 1000, आठ 4 × 2 = 8 दो से काट लो तो 2 × 4 = 2 × 8, यानी आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 24000। इस तरीके से जो गोलियों की संख्या होगी वो आपका 24000 के बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, एक अर्धगोला और एक लंबवृत्त संघ
चार सेमी व्यास के उभयनिष्ठ आधार पर विपरीत दिशाओं में है। शंकु का शीर्ष कोण समकोण है। यदि एक बेलन इस ठोस के परिगत बनाया जाए तो वह और स्थान घेरेगा, ये आपको बताना है। तो एक आपका अर्धगोला है, इस प्रकार से मैंने एक अर्धगोला बना दिया। इसके ऊपर आपका एक शंकु है, इस प्रकार से मैंने एक शंकु है जो कि समकोण बनाता है। तो बोला है यदि अर्धगोला और शंकु के आयतन को लेकर के एक बेलन बनाया जाए तो और कितना स्थान घेरेगा, यह आपको बताना है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको दे रखा है लंबवृत्त शंकु 4 सेमी व्यास के उभयनिष्ठ। तो 4 सेमी व्यास होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो यह 2 भी हो जाएगा। उसके बाद से डियर स्टूडेंट समकोण के कंडीशन में जो शंकु की ऊंचाई होगी ये आपका 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अर्धगोले और शंकु के आयतन का योग निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले और शंकु के आयतन का योग निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² प्लस का अर्धगोले का आयतन आपका होता है 2/3 πr³। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 π। अब देखिएगा शंकु की जो त्रिज्या है वो आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का होल स्क्वायर पूरे शंकु की ऊंचाई आपका 2 है, तो 2 प्लस का ये आपका 2/3 π है, तो π। अब जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या 2 है, तो 2 का क्यूब कर लो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 × 4 × 8 π/3 प्लस का 2 × 4 × 8 × 16 π/3। तो इसको आप हल करोगे तो 16 × 4 = 24 π/3 मिल जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 8π के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं 8π के रूप में। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इसी को यदि हम बेलन के रूप में कन्वर्ट करें तो और कितना स्थान घेरेगा, यह आपको बताना है। यदि हम इसी को बेलन के रूप में कन्वर्ट करें तो और कितना स्थान घेरेगा, यह आपको बताना है। तो इस तरीके से मैंने बेलन के रूप में यह बना दिया। तो जब यह अर्धगोला और शंकु एक बेलन के रूप में जाएगा तो ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई जो आपका होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो ऊंचाई क्या होगा, 2 यह हो जाएगा, और यह भी तो आपका त्रिज्या ही है अर्धगोले की, तो 2 यह और 2 यह, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई आएगी वो आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आप बेलन का आयतन निकाल लो, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपका होता है πr², तो π। बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की भी त्रिज्या आपका 2 सेंटीमीटर होगा, तो 2 का होल स्क्वायर और ऊंचाई आपका हो जाएगा 4, तो 4 × 16 π आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब अर्धगोला सहित शंकु को एक बेलन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो आपका बेलन का आयतन आ रहा है वो आपका आ रहा है 16 π, और पहले जो आपका अर्धगोला सहित शंकु का आयतन आ रहा था वो आपका 8 π आ रहा है। तो कितना और स्थान घेरेगा, तो 8 π और स्थान घेरेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो आपका, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार से है, धातु के एक खोखले गोले का बाहरी व्यास आपका 8 सेंटीमीटर है, तथा यह जिस धातु का बना है उसकी मोटाई आपका 2 सेंटीमीटर है, तो इसके निर्माण में लगी धातु का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जिस पदार्थ से आपका गोला बना है उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपका गोला होगा, तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू आपका है 4 सेंटीमीटर, और जो जिस पदार्थ से बना है उसकी जो मोटाई है, उसकी जो मोटाई है वो आपका है 2 सेंटीमीटर। तो ये आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटाई में आपका 2 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो इस तरीके से जो आंतरिक त्रिज्या होगी यानी स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी वो आपका 2 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल लो तो 4/3 πr³ - r³, तो 4/3 π,
कैपिटल आर 4 का क्यूब माइनस स्मॉल आर 2 का क्यूब। तो हल कर लो तो 4/3 गुणे 4 चौक 16 चौक 64 माइनस का 8, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4/3 पाई। 64 में से 8 घटाओगे कितना मिलेगा, 64 में से 8 घटाओगे तो 56 मिल जाएगा। क्या निकालना था आपको, निकालना था आयतन निकालना था, तो निकाल लो तो देखो 56 4 गुणे 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आपका हो जाएगा 56, तो 7/56 हो जाएगा। तो 22 चौक कितना होता है 88 गुणे 8/3, तो 88 गुणे 8/3 8 64 को 4, 8 64 और 6 70/3 हल कर लो तो 3 2 6 1 0, 3 3 9, 1 4 3 4 12, 2 0 3 6 18, 6 6 यानी कि 234.66 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है कि लकड़ी का एक लट्टू इस प्रकार बनाया जाता है कि जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा इसका दूसरा सिरा शंकु शीर्ष का है। लट्टू 7 सेमी ऊंचा है और अर्धगोलाकार भाग 6 सेमी व्यास का है, तो उसमें लकड़ी लगी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले भैया आप एक लट्टू बना लो, तो इस तरीके से जो नीचे वाला भाग है वो आपका अर्धगोलाकार है और ऊपर वाला जो भाग है वो आपका शंकुआकार है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो लट्टू की ऊंचाई है 7 सेमी ऊंचा है, यानी कि जो लट्टुआ की ऊंचाइया है वो आपका है 7 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ऐसा भी बोला गया है कि जो आपका नीचे वाला भाग है, जो आपका अर्धगोलाकार भाग है, उसका 6 सेंटीमीटर व्यास है। तो अर्धगोले का यदि आपका व्यास 6 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यह भी तो आपका त्रिज्या में ही है, यह भी वैल्यू आपका त्रिज्या में भी है, यानी कि यह आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिएगा पूरा जो लट्टू की ऊंचाई है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, और आपने देखा जो आपका अर्ध गोला है इसकी ऊंचाई आपने निकाल लिया जो कि त्रिज्या के रूप में ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको यह मिल गया कि जो आपका शंकु है इसकी ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो पूरी ऊंचाई है लट्टू का वो आपका 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोला का जो ऊंचाई का हो या अर्धगोली की त्रिज्या दोनों ही सेम है, तो यह आपका 3 सेंटीमीटर, तो यह आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपको यह बताना था कि उसमें लकड़ी लगी होगी, तो जो आपका लकड़ी लगी होगी वो आपका आयतन के बराबर लगी होगी। तो क्या करेंगे हम, अर्धगोले के आयतन को शंकु के आयतन को जोड़ देंगे तो हमको यह पता चल जाएगा कि कितनी लकड़ी लगी होगी। तो अर्धगोले का आयतन आपका 2/3 πr³ प्लस का शंकु का जो आयतन होगा वो आपका 1/3 πr² हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2/3 π, अर्धगोले की त्रिज्या आपका है 3 तो 3 का क्यूब प्लस का 1/3 π, और जो शंकु की त्रिज्या है वो कितना है, तो जो आपके अर्धगोले की त्रिज्या है वही आपके शंकु की त्रिज्या है, क्योंकि अर्धगोले पर ही तो शंकु है, तो इसकी भी त्रिज्या आपका हो जाएगा 3 तो 3 का स्क्वायर। ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा शंकु की, शंकु की ऊंचाई आपने निकाला है 4, तो सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपका 2/3 π × 3³ करोगे 27 प्लस का 1/3 π × 3² 9 × 4, तो 3 से काट लो तो 3 9 27, तो यहाँ से आपको मिलेगा 18 π प्लस का, यहाँ से 3 से काट लो तो 3 3 9, तो 4 3 12 π, 18 9 2 18 π प्लस का 12 π, तो 18 और 12 कितना होगा 30 π के बराबर होगा। इस तरीके से जो लट्टुइया का आयतन होगा वो आपका 30 π के बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो बस आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में आपको कैसा बोला जा रहा है और कौन सी चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया रहता है, बस आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को।
बोला है कि 10 सेमी व्यास के गोले का भार आपका 7.5 किग्रा है, उसी पदार्थ के गोले का कितना व्यास 6 सेंटीमीटर है तो भार है। तो 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले का भार आपका 7.5 किलो है, और उसी पदार्थ के गोले का जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है भार होगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो आपका 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन है वो आपका है V1, और जो आपका 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है उसका आयतन है आपका V2। जो आपका 10 सेंटीमीटर व्यास का गोला है उसका मैं मान लेता हूँ भार W1 होगा, और जो आपका 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है उसका मैं मान लेता हूँ भार W2 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, कि जो 10 सेंटीमीटर व्यास का गोला है उसका मैंने आयतन मान लिया V1, जो 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है उसका आयतन मैंने मान लिया V2, जो आपका 10 सेंटीमीटर व्यास का गोला है उसका मैंने भार मान लिया W1, और जो 6 सेंटीमीटर वाला है वो आपका मैंने मान लिया W2। तो W1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, W1 के जगह पर हम लिख सकते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब। W2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R2 का होल क्यूब। अब देखिएगा जो आपका 10 सेंटीमीटर व्यास का गोला है उसका आपको भार दे रखा है 7.5 किग्रा। W2 की वैल्यू नहीं पता है, इसको निकालना है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब बराबर आपको मिल जाएगा 7/5 बटे W2। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर व्यास वाला है यानी R की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 5 का क्यूब। R2 की वैल्यू कितनी होगी, तो D2 की वैल्यू यानी कि जो दूसरा गोला है उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 7.5 बटे W2। तो यहाँ से देखिएगा 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 बराबर आपका हो जाएगा 7.5 बटे W2। तो W2 की वैल्यू निकाल लो, तो 7.5 × 27 बट्टे का आपका हो जाएगा 125। तो 5 से काट लो भैया, तो 5 × 5 और 5 × 25, 5 × 10 5 × 25, यानी W2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 1.5 × 27 बटे 25। इसको आप हल कीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसको आप हल कीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो आपको कितना मिलेगा, इसको आप हल करके बताइएगा W2 की वैल्यू कितना आएगा। तो इसको आप हल कीजिएगा और बताइएगा W2 की वैल्यू कितना आएगा। तो डियर स्टूडेंट W2 की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।